वीडियो के पहले पार्ट में आपने देखा कि रश्मि की शादी को 4 साल हो जाने के बावजूद भी उसको कोई संतान नहीं होती है, तो उसकी सास उसे रोज भला बुरा सुनाती है, लेकिन रश्मि ये सब कुछ सहन कर लेती है। लेकिन धीरे धीरे रश्मि की सास और समाज के ताने इतने बढ़ते जाते हैं कि वो इन सब बातों से तंग आकर रश्मि अपने पति और परिवार को बिना बताए सबको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। अब आगे, रश्मि मुझे पता है कि तुम इतनी कमजोर भी नहीं हो कि मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली जाओ, मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ के रहूंगा। आंटी आप यहाँ पे आइए। रश्मि ठीक है? अच्छा उसकी फ्रेंड आंचल को फोन करता हूँ। हाँ चल रश्मि तुम्हारे यहाँ पे है क्या? कितना दूर चली गई हो तुम मुझसे। हे भगवान मेरी रश्मि जहां भी हो सही सलामत रखना। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए। तेरे बिन अब न लेंगे तेरे साथ हो जाएंगे खत्म। मैं जो तुमसे दूर हूँ क्यों दूर मैं रहूं तेरा गुरूर हूँ। बेटा कहाँ गए थे? रश्मि को ढूंढने गया था मैं। बेटा चिंता मत करो मिल जाएगी। आपको तो वैसे भी कोई चिंता है नहीं ना उसकी, तो चिंता मुझे ही। ऐसा नहीं है बेटा। चंचल चंचल कहाँ हो तुम? अरे आप अचानक दुबई से? मेरी बात छोड़ो, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तुमने हमारी बहू को घर से बाहर निकाल दिया? मैंने नहीं निकाला, वो अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई है। झूठ मत बोलो तुम, मुझे सब पता है। कैसे तुमने अपने पोते की जिद की वजह से बहू को इतना परेशान किया कि उसे घर छोड़ के जाना पड़ा? आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, मैं जा रहा हूँ। रश्मि दीदी है क्या? नहीं। हेलो आंटी कैसे हो आप? बस अच्छा। और कैसे हो बस मैं तो ठीक हूँ। दिनों बाद आना हुआ, रश्मि से मिलना था। रश्मि कहाँ है? बेटा वो तो घूमने गई है अब्रॉड। बुरा ना माना तो आंटी एक बात बोलूँ आपको? हाँ बेटा बोलो। रश्मि कोई अब्रॉड नहीं गई है, वो घर छोड़कर चली गई है। नहीं बेटा वो बाहर घूमने गई है। मैं क्यों झूठ बोलूंगी बेटा? नहीं आंटी मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। और हाँ आप जैसे लोगों की सोच समाज पे कलंक है। मैं चलती हूँ, रश्मि आने का बुला रही है। सुनो तो बेटा। उसके कुछ दिनों के बाद ही तुषार भी बिना बताए कहीं चला जाता है। फोन क्यों नहीं उठा रहा? कितनी देर से ट्राई कर रही हूँ, आधी रात हो गई अभी तक आया नहीं। गणपति पापा मैं समझ चुकी हूँ मैंने क्या गलत किया है। अपने पोते को पाने की जिद में मैंने अपनी बहू के साथ बहुत गलत किया और उसे अपने से दूर कर दिया जिसका कोई कसूर नहीं था। पापा कृपा कीजिए, पापा कृपा कीजिए, आप जो सजा दोगे मुझे मंजूर है, लेकिन आप सब ठीक कर दीजिए। इतने दिन गुजर गए, मेरा यार रो रो के बुरा हाल हो गया था। बेटा कहाँ थी तू? कितने फोन किए मैंने, मैं परेशान हो गई थी तुम्हारे फोन ना उठाने के कारण से। भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम घर तो वापस आए। माँ मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन कुछ काम से मैं कुछ दिनों से बाहर था। बेटा तुम तो आ गए, अब बस बहू को भी ले आओ, अब मुझे पोते की कोई चाह नहीं रही।
तुम और बहू मेरे लिए सब कुछ हो। बेटा मैंने बहू के साथ जो कुछ भी किया वो बहुत बुरा किया, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम कैसे भी करके मेरी बहू को वापस लेके आओ, तुम दोनों की खुशी के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ भगवान ने आपकी सुन ली। वो कैसे बेटा? मैं रश्मि को साथ में लेके आया। क्या कहा है बेटा वो? रश्मि बहू, तो आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा बेटे और बहू वापस घर आ गए। लेकिन ये बच्चा किसका है बहू? माँ ये हमारा बच्चा है। आज इतनी बड़ी खुशी भी तुम लोगों ने मुझे दे दी। माँ जी ये हमारा ही बच्चा है, लेकिन हमने इसे अनाथ आश्रम से गोद लिया है। क्या 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 क्या, ये हमारा खून नहीं है, मैं इसे फिर कभी स्वीकार नहीं कर सकती। माँ लेकिन मेरी बात तो सुनो। माँ सच तो ये है, कुछ महीनों से मैं रश्मि को ढूंढने के लिए दर बदर भटक रहा था, और पता नहीं एक दिन मैं कहाँ चला गया, तो वहाँ मुझे मेरा दोस्त राहुल मिला और वो मुझे अपने घर ले गया। उसके बाद मैंने उसे सारी सच्चाई बताई, और ये सुनने के बाद उसने कहा कि यार एक बात बताऊं यार। हाँ बोल भाई। बच्चा अडॉप्ट कर लेना यार। क्या? हाँ यार। यार मैंने सोचा था एक टाइम पे कि मैं बच्चा अडॉप्ट कर लूं, लेकिन मुझे लगा कि जो मम्मी है और तुम्हारी भाभी है तो शायद मुझे लगा कि वो उस बच्चे को वो प्यार ना दे पाए जिसका वो असली हकदार है। अनाथ आश्रम में जितने भी अनाथ है उनके माँ बाप नहीं है, उनके बारे में कभी तुमने सोचा कि उनकी जिंदगी कैसे जी रहे हैं वो लोग अनाथ आश्रम में? उनको भी जिंदगी जीने का हक है, उनको भी सपने देखने का हक है। आज हम लोग भी ऐसा करेंगे तो यार उनको यार कौन संभालेगा उनको? राहुल की बातें सुन के मेरी आंखें खुल गई। मुझे लगा काश ये काम मैं पहले कर लेता तो रश्मि आज मेरे साथ होती। उसके अगले ही दिन मैं शहर से दूर एक अनाथ आश्रम में गया, और वहां पहुंचने के बाद सब कुछ बदल गया। ओस की बूंदें पत्तों की गोद में, और वहां पे जो मैंने देखा तब मुझे पता चला कि रश्मि हम सबको छोड़ के यहाँ अनाथ बच्चों की सेवा कर रही है। इससे बड़े गर्व की बात मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती। और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई। जैसा नू प्यार ले न तरसाओगे, बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं। अरे मेरी बात तो सुनो। मुझे कोई बात नहीं करनी। अच्छा सुनो, आप फिर आ गए यहाँ पे, आपको समझ नहीं आता है क्या जब मैंने बोला आपको जाने के लिए? तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मुझे कुछ नहीं सुना, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आपने दूसरी कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने? आपने दूसरी शादी की? नहीं की। मैंने आपको बोला था ना दूसरी शादी कर ले। तुम्हें पता है ना तुम्हारे क्यों मेरे पीछे पड़े हो? तुम्हारे अलावा मुझे नहीं सुनना। दो मिनट मुझसे मिलो प्लीज, दो मिनट। चलो दो मिनट। ठीक है चलो। रश्मि चलो यहाँ से, मुझे नहीं जाना। तुम्हें पता है, तुम्हें आइडिया है इतने महीनों में एक एक दिन तुम्हारे बिना कैसे गुजारा होगा मैंने? क्यों आपको मेरा लेटर नहीं मिला? तुम्हारा लेटर मिला था और मुझे यकीन था तुम पे और मेरे भगवान पे कि तुम जरूर जिंदा हो, और इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ वहाँ कितने टाइम से ढूंढ रहा हूँ यार। मैंने ये सब आपकी खुशी के लिए किया था, मैं चाहती थी कि आप दूसरी शादी कर ले मेरे जाने के बाद, और यहाँ इन बच्चों के साथ जो मुझे सुकून मिल रहा है, जो खुशी मिल रही है, मैं बहुत खुश हूँ इससे। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तुम ये जो काम कर रही हो इतने महीनों से सच में काबिले तारीफ है, लेकिन मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम घर चलो। मैं इतने महीनों से इन बच्चों के साथ हूँ तो मैं इन बच्चों को यहाँ से छोड़ के नहीं जा सकती। तुम्हारी सारी बातें सही है, लेकिन मेरे पास इसका भी सॉल्यूशन है। और फिर मैंने रश्मि को समझाया कि हम दोनों मिलकर एक बच्चा गोद ले लेते हैं, तो उसे भी ये फैसला बहुत अच्छा लगा और वो मेरे साथ घर आने के लिए मान गई। और उसके बाद आज हम घर वापस लौट आए हैं, और हमें लगा कि आप भी हमारे इस फैसले से बहुत खुश हो जाओगे, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि आप इसे अपनाओगे नहीं। वाह
वाह चंचल वाह, अच्छा हुआ था तुमने इस बच्चे को नहीं अपनाया। पापा आप और आप ये क्या कह रहे हो? लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ जो मैंने आज तक तुमसे छुपाई थी। क्या? ये तुषार भी हमारा खून नहीं है, तुषार भी हमारा खून नहीं है, तुषार भी हमारा खून नहीं है। क्या क्या, तुषार को मैंने जन्म नहीं दिया है? जब तुम हॉस्पिटल में थी तब डॉक्टर ने आके मुझे बताया कि हमारा बच्चा अभी इस दुनिया में नहीं रहा, तो मुझे लगा कि तुम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, इसलिए एक अनाथ बच्चे को तुम्हारी खुशी के लिए मैंने तुम्हारी गोद में रख दिया। तुषार बेटा, ये बात मैं किसी को नहीं बताना चाहता, लेकिन आज इस बच्ची की खुशी के लिए, तुम दोनों की खुशी के लिए ये राज मुझे सबके सामने खुलना पड़ा। मुझे तुम पे गर्व है बेटा, आज तुम ही हमारे लिए सब कुछ। कोई बात नहीं पापा, मुझे इस बात के लिए किसी से कोई शिकायत नहीं है। आप सही बोल रहे हो, खून अपना हो या पराया, अगर रिश्ता दिल से निभाया जाए तो वो दुनिया में सबसे बढ़कर होता है। आज मैंने बहू और बच्ची के साथ बहुत गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आज मुझे अपनी गलती का एहसास है, बहू मुझे माफ कर दो। नहीं माँ जी, आप ऐसा मत बोलिए। मेरे घर आई एक नन्ही परी, हमें उम्मीद है कि ये कहानी पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हर जगह शेयर कर दीजिए ताकि वीडियो का मैसेज हर घर में पहुंचे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हम ऐसी और भी कहानियां आपके सामने लाते रहेंगे।